नमस्कार दोस्तों, औजारनव चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा, ये बोर्ड है स्पाइक बोर्ड, इसको बोलते हैं स्पाइक बोर्ड, और ये ज़्यादातर कंप्यूटर के लिए यूज़ होता है। अभी मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ये देखिए, ये स्पाइक बोर्ड है और आपको मैं इसके बारे में अभी बताने जा रहा हूँ। ये बोर्ड का खासियत ऐसा है कि ज़्यादा सप्लाई आ गया तो ये अपने आप इसका फ्यूज़ उड़ जाता है और आगे के अपने कंपोनेंट बच जाते हैं। अभी मैं आपको इसका रिव्यू दिखाऊंगा कि कैसा लगाते हैं, कैसा करते हैं। देखो दोस्तों, ये ज़्यादातर कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। और देखिए, इसको ये डायरेक्टली एक बटन है ऑन ऑफ का, और हर इसके सॉकेट के लिए एक एक अलग अलग बटन दिए गए हैं। और इसकी वायर भी काफ़ी है, बहुत लंबी वायर है, कंप्यूटर के लिए अच्छा है। अच्छा, इसमें देखो ये लाइट दिए गए हैं, ये तीन बल्ब यहाँ दिए गए हैं और एक नीचे बल्ब दिया गया है। तो देखिए, अगर आपका लाइन सर्किट ओके है तो ये बल्ब जलेंगे, मैं आपको भी इसके बारे में बताऊँगा। तो देखो दोस्तों, ये बोर्ड के बारे में अभी आपको बताऊँगा मैं। देखो, ये कंप्यूटर के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर। अच्छा, कंप्यूटर के लिए क्यों यूज़ करते हैं, इसका कारण ये है कि अगर इसमें देखो 240 वोल्ट आता है इसमें से, और अगर समझो वोल्टेज ज़्यादा हो गया और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ये बोर्ड फ्यूज़ इसका आप उड़ जाता है, तो आगे के अपना इक्विपमेंट सब बच जाते हैं। इसके लिए ऐसा बोर्ड लगाना ज़रूरी है। अच्छा, अभी मैं आपको ये चेक करके दिखाऊँगा कैसे लगाते करके। देखो दोस्तों, अभी ये मैंने बोर्ड लगाया है, लेकिन इसका प्रॉब्लम देखो क्या होता है। अभी ये मेरा ये जो बोर्ड है इसको देखिए, ये मेरा इसमें अर्थिंग नहीं दिया गया है, ये खाली दो वायर गया है मेरा पॉजिटिव न्यूट्रल। तो इसके वजह से अगर मैं इसमें ऐसा लगाता ये सप्लाई में बिना अर्थिंग से, तो देखिए अगर मैं बिना अर्थिंग से लगाता तो क्या प्रॉब्लम होता है। ये देखो, मैंने बिना अर्थिंग से बोर्ड लगाया है और मैं बोर्ड ऑन करूँगा तो देखिए ये सिंगल लाइट लगेगा, इसका मतलब ये बोर्ड में अर्थिंग काम नहीं कर रहा है। अब मैं अर्थिंग वाले पॉइंट में इसको लगाऊँगा तो इसका रिज़ल्ट मुझे अलग मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी देखो, मैं ऑफ करता हूं, ये ऑफ करता हूं, ये बटन निकालता हूं यहाँ से वायर, और मैं अभी ये अर्थिंग वाले इसमें करंट लगाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको ऑन करूंगा, ये देखो अभी मैं इसको ऑन करूंगा। ऑन किया तो मेरे ये दोनों लाइट लग गए, बाजू के सब लाइट अभी फुल लग गए, इसका मतलब मेरा सर्किट एकदम ओके है। अब देखो दोस्तों, ऑन में मैं यहाँ लगाता हूँ, पॉजिटिव आ रहा है, और इसका मैं अभी बटन बंद कर रहा हूँ समझो। तो देखिए, ये बटन है यहाँ से, ये मेन बटन है मेरा, ये मैं मेन बटन बंद करूँगा तो ये सब बंद हो जाएगा ऑन में। ये देखिए, ऑफ में सब बंद हो गया है, ऑन में सब बटन चालू रहते हैं। ये देखिए, ये मैं ऑन किया, अभी यहाँ से मेरे लाइट आ गया है मेरा। दोस्तों अभी ये बटन है इसका, ये डायरेक्ट है, इसका सॉकेट ये है, ये देखिए ये करंट आ रहा है, अगर ये बंद करेगा तो ही ये बंद होगा। और ये दो नंबर का ये जो है इसका सॉकेट ये है, देखो बटन बंद है, सप्लाई बंद है, बटन ऑन किया सप्लाई ऑन हो गया। इसके लिए अलग अलग बटन दिए गए हैं, ये देखिए इसको भी अलग अलग बटन दिए गए हैं। तो देखो दोस्तों, ये बोर्ड एकदम सेफ्टी है, इसका बेनिफिट यही है हमको, अगर हम कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं और कोई टीवी वगैरह लगाते हैं तो क्या है, आजकल सब महंगा महंगा चीज़ है, एक एक लाख रुपये तक के भारी भारी कंप्यूटर वगैरह आते हैं, और सब इतना महंगा महंगा आइटम हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमको ये बोर्ड यूज़ करना है। और समझो बाय चांस अगर लोड ज़्यादा आता है तो यहाँ फ्यूज़ उड़ जाता है, यहाँ एक फ्यूज़ रहता है, फ्यूज़ उड़ने के बाद देखो दोस्तों, ये जो लाइट है वो आपका जलना चालू हो जाएगा। अगर ये लाइट समझो जल गया तो समझ जाने का कि अब हमारा बोर्ड का फ्यूज़ उड़ गया है, तो आप ये फ्यूज़ चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखें, ये ऐसा निकलता है, यहाँ से आप ये निकाल के यहाँ से फ्यूज़, तो देखो इसके अंदर एक फ्यूज़ होता है छोटा, वो फ्यूज़ आप चेंज करके बोर्ड को चालू कर सकते हैं। तो ये बहुत भारी बोर्ड है और अच्छा क्वालिटी का है, और आपको ये हमेशा फ़ायदे में रहेगा, इसलिए मैंने आपको दिखाया है। तो ठीक है दोस्तों, ये हेवी बोर्ड है, ऐसे ही बोर्ड आप यूज़ करेंगे ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू, धन्यवाद।